रुकी वो भारत सरकार की तरफ से होता है, तो ये सेना के जो अधिकारी होंगे उनसे हम कहेंगे कि वो भारत सरकार को इस बात के लिए कहें कि एक जो पेट्रोल पंप है गैस एजेंसी का लाइसेंस उन बच्चों के नाम से करा दिया जाए। इस बात पे सहमत हो तो फिर चले मदा संस्कार को। तेली वाले पोखरा पे, तेली वाले पोखरा पे माननीय मंत्री जी शहीद होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, गर्व की बात है। लेकिन मुझे बड़ी दुख और पीड़ा के साथ, आप दोनों ही एक प्रतिनिधि हैं और आप स्वयं मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, दुख इस बात का है कि घोषणाएं हो जाती हैं। मैं राजनीतिक परिदृश्य में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है, बाद में सिर्फ आश्वासन ही रह जाते हैं। धनराशि हो सकता है आप दिलवा दें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, लेकिन न तो मैंने देखा नौकरी मिली, आज तक हेमराज के परिवार को एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। हो सकता है मिल गई हो, हमें चार पांच साल बाद मिल गई होगी, हो सकता है, लेकिन न तो आज तक कोई गैस एजेंसी मिली, न पेट्रोल पंप मिला। तो इसलिए माननीय मंत्री जी जो भी आगे आप घोषणा करें उसका सार्थक रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए, ये हम आपके आश्वासन चाहते हैं। पैसा तो हाथ का मेल है, पैसा तो हाथ का मेल है, पैसे से इसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इनके बच्चों की, इनकी बेबा के लिए, इनके बच्चों की नौकरी के लिए आप पूर्ण प्रयास करें, ऐसा आपसे आशा। आज जो कालीचरण जी शहीद हुए हैं उनको शत शत नमन, क्योंकि वो देश के काम आए। माननीय मंत्री जी ने सब बातें कह दी हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो भी कृषि और आवास से संबंधित पट्टा निर्माणानुसार होगा वो भी माननीय मंत्री जी के द्वारा भविष्य में जब चेक प्रदान किया जाएगा उसके साथ दिया जाएगा। कालीचरण देश के ऊपर शहीद हुआ है, मेरे पूरे क्षेत्र को, मेरे गांव को और समस्त ब्रजभूमि को इस पर गर्व है कि हमारा एक लाल देश के काम आया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ परिवार वालों को, क्योंकि बहन से एक भाई गया है, बच्चों से एक पिता गया है, पत्नी से एक पति गया है, भाई से एक भाई गया है, लेकिन इसके बावजूद ये मौत, ये ऐसी मौत है जो देश के ऊपर कुर्बान, देश के ऊपर शहीद हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार की ओर से आज मैंने यहाँ उनको ये कहा है कि 20 लाख रुपए का चेक, 20 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी और यहाँ भव्य स्मारक बनेगा, गेट बनवाया जाएगा, मूर्ति लगाई जाएगी, बहुत अच्छी जगह। यहाँ हमारे जिलाधिकारी जी ने इसके शहीद स्थल के लिए चुनी है। मैं यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के ये नगर पंचायत को भी यही कहूँगा कि इस भव्य शहीद स्मारक के लिए मैं पूरा प्रयास करना चाहूँगा।